ब्रह्मा जी ने हनुमान को बहुत समझाने की कोशिश की कि वे लड़ाई के लिए नहीं जाएं, लेकिन हनुमान नहीं माने। हनुमान जी ने कहा कि बाली ने उनके प्रभु श्री राम को चुनौती दी है, ऐसे में उसे जवाब नहीं देना उचित नहीं होगा। इस पर ब्रह्मा जी ने हनुमान जी से कहा कि वे जाकर बाली से लड़ सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि वे अपनी शक्ति का दसवां हिस्सा ही लेकर युद्ध के लिए जाएं। अब वरदान के अनुसार दंगल के मैदान में हनुमान जी जैसे ही बाली के सामने आए, उनकी शक्ति का आधा हिस्सा बाली के शरीर में आ गया। इससे बाली को अपने शरीर में अपार शक्ति का एहसास होने लगा। थोड़ी ही देर में उसे ऐसा लगने लगा कि जल्द ही मानो उसके शरीर की नसें फट जाएंगी। इसी दौरान ब्रह्मा जी एक बार फिर प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने बाली से कहा कि तुम खुद को दुनिया में सबसे शक्तिशाली समझते हो, लेकिन तुम्हारा शरीर हनुमान की शक्ति का थोड़ा सा हिस्सा भी नहीं संभाल पा रहा है, जबकि वे केवल अपने 10% शक्ति लेकर लड़ने आए थे। सोचो यदि संपूर्ण शक्ति होती तो क्या करते,